बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब कोई बूझही जन जोहरी, जो शब्द की पारख करे, चित लाए सुने सिखा मनो, हित जाके हृदय धरे। साहेब की वाणी निसंदेह अद्भुत है। तम मोह मोसन ज्ञान रवि, जब प्रकट हो तब सूझे, कहत हूं अनुराग सागर, कोई कोई संत कोई कोई बूझे। साहेब कह रहे हैं, धर्मराज मैं अनुराग सागर बोल रहा हूं, कोई कोई जन जोहरी इसे समझेगा। कोई एक संत सुजान जो मम शब्द विचार रही, पावे पद निर्माण, बसत जास अनुराग उर। कह रहे जिसके हृदय में अनुराग है परम पद को प्राप्त होता है। अब ये अनुराग क्या है? यहां साहब एक शब्द बोल रहे हैं, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुर की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। बड़ा यूनिक प्रश्न पूछ रहे हैं अनुराग अपना धर्मदास जी। सद्गुरु कहो अनुरागी वाणी, जाके चित अनुराग समाना, ताको कहो सद्गुरु सहदाना। अब सहदाना क्या होता है? प्राचीन काल में छोटे छोटे पुरवे और राजा होते थे, तो सहदानी चौकी, जैसे हम बॉर्डर है ना, वहां सहदानी चौकी होती थी। किस इसी राज्य के हो कि नहीं? सहदानी कहते हैं परिचय को। कह रहे मुझे बताइए अनुरागी कैसे, हम अनुरागी को हम कैसे अनुभव करें, उसकी क्या पहचान है? धर्मदास परखो चितलाई, कह रहे ध्यान दे करके इसको सुनना, अनुरागी लक्ष्य कहो समझाई। जैसे मृगा नाद सुंधावे, मगन होए ब्यादा डिगावे। एक शब्द अक्सर हम अपने जीवन में सुनते हैं, प्रेम ही परमात्मा है, और उस तक पहुंचने का सबसे सुंदर सूत्र ही प्रेम है। बिना प्रेम पावे नहीं कोई कौटिन कहे उपाय। प्रेम का ऐसा क्या धातु है? कोई पूछे कि जमाने में बड़ी चीज है क्या? कोई पूछे कि जमाने में बड़ी चीज है क्या? हम बताएंगे, बता देंगे, प्रेम से बढ़ के जमाने में कोई चीज नहीं। प्रेम मिटा देता है सदियों की दुश्मनी को। प्रेम हैवान को इंसान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। आखिर प्रेम का धातु क्या है? ऐसा क्या है प्रेम में जो हमें ईश्वर से मिला देता है? मैं आपको अनुराग अपना योगा वशिष्ठ का एक वृत्तांत बताता हूं कि ये प्रेम क्या चीज है और प्रेम क्या करता है। प्रेम का एक
गुण है, वृत्ति है समर्पण। एक बार आप प्रेम के धातु को समझिएगा। एक बार एक रानी थी, बड़ी सुंदर थी, लेकिन राजा वृद्ध था। दासी का उसका श्रृंगार करते हुए बोली कि हे रानी, तुम्हारे सौंदर्य को देख करके राजा तुम्हारे योग्य नहीं था। इस शहर में एक ब्राह्मण है, बहुत सुंदर है। इस वृत्तांत से आप ये निष्कर्ष निकलेगा कि प्रेम हमें ईश्वर तक कैसे पहुंचाता है। दासी ने कहा, वो बड़ा सुंदर है, तुम्हारे योग्य था। एकाएक रानी के हृदय में उस ब्राह्मण के प्रति एक भाव उत्पन्न हो गया। उसी के भाव में वो डूबी रहती थी। एकाएक उस ब्राह्मण के हृदय में रानी के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। इस सूत्र को समझिएगा, इसका मतलब है जो हमारे प्रेम की तरंगे हैं वो बड़ी प्रबल है। आप जिससे भी प्रेम करेंगे, आपका कंसंट्रेशन जिसमें भी रहेगा, उस आपकी तरंगे उसके पास जाएगी। प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को नेम बदलते देखा है। प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को नियम बदलते देखा है। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा है। एक स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हुआ। यहां एक चीज पर गौर कीजिए, देखे बिना बूझे बिना देखे हम सब परमात्मा का ध्यान करते हैं। आखिर ये ध्यान पद्धति क्यों है? सबसे पहले परमात्म तत्व के प्रति हमें प्रेम कब उठता है? जब हम उसके विषय में गंभीरता से सोचते हैं। तो हमारी वो तरंगे ईश्वर तक पहुंचती है। आप अंतःकरण की तरंगों को मामूली न समझे, वो तरंगे परमात्मा तक पहुंचती है। रान वो उसी के विचारों में डूबा रहता था। रानी भी उस ब्राह्मण के विचारों में डूबी थी। एक दूसरे को उन्होंने देखा भी नहीं था, कोई फिजिकल टच नहीं था। वो तो एक बचकानी चीजें हैं। धीरे धीरे उस ब्राह्मण के प्रेम का अट्रैक्शन रानी को अपनी तरफ खींचने लगा। अनायास वो रानी उस ब्राह्मण के पास पहुंची और उससे प्रेम करने लगी। वो राजा को जब पता चला, राजा क्रोध हुआ। वो प्रेम में आनंद है, वासना में पीड़ा है। वासना में भय है, प्रेम में आनंद है, दोनों विपरीत है। राजा को क्रोध आया। जब उसने रानी का रुझान उस ब्राह्मण के प्रति देखा निरंतर, राजा क्रोध हुआ। वो शस्त्र लेकर, तलवार लेकर वहां पहुंचा और ब्राह्मण पर कई वार किए। ब्राह्मण पर कुछ असर नहीं पड़ा।
राजा ने उससे पूछा, हे पापात्मा, मेरे ये प्रहार तुम पर प्रभाव क्यों नहीं डाल पा रहे? बोला, हे राजन, मेरे अंदर का मैं खत्म हो चुका है, मैं रानी मैं हो गया हूं। इंसान का दुख और सुख और मौत तब तक है जब तक उसमें अहंकार है, मैं है। इसलिए यहां पर क्या कहा है, सब गुरुमय हो जाओ, फिर रानी पर प्रहार किए, रानी भी नहीं मरी। राजा ने पूछा, ही विभीषणी, तू पति को त्याग कर परपुरुष से प्रेम कर रही है, मेरे शस्त्र तुम पर प्रभावित क्यों नहीं हो रहे हैं? बोला, हे राजन, मैं ब्राह्मण मैं हो चुकी हूं, जो जिसका भी ध्यान करेगा उसका रूप हो जाएगा। आप एक चीज देखना, लोग लैला मजनू को बड़े आदर के भाव से देखते हैं, मजनू बड़ा सुंदर था, लैला सांवली थी, धीरे धीरे लैला के हृदय में मजनू का प्रेम उठा, कोई लेटर नहीं दिया, कोई कॉल नहीं किया जैसे आजकल करते हैं। और मजनू के दिल में लैला के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। किसी दासी ने बोला, हे लैला, तुम्हारा जो मजनू है, जो जिससे तुम प्रेम करती हो, वो मस्जिद में है। लेकिन कमजोर हो गया तुम्हारे ध्यान में। मैं लैला एक हलवे का कटोरा उसके पास भेजती थी, देसी घी का। धन दासी जानती थी कुछ ना रानी मजनू को। धीरे धीरे दो मजनू हो गए। उस हलवे का कटोरा देखकर ऐसे ऐसे कहते हैं, बढ़कर 100 मजनू हो गए कि असली मजनू हमें। लैला 100 कटोरे भेजती थी। लैला समझदार थी। मेरे ख्याल से लैला मजनू को लोग प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, घृणा से नहीं। क्यों? वासना रहित प्रेम था। एक दिन लैला ने क्या किया, जब दासी ने कहा दिन प्रतिदिन मजनू बढ़ते जा रहे हैं, लैला ने कहा चिंता नहीं करो। एक दिन लैला ने कटोरा और खंजर भेजा। हलवे के कटोरों के बदले कहा, बोलना, लैला के को एक बीमारी हो गई है, एक रोग हो गया है, मजनू के जिगर का खून चाहिए। सब भट गए, कौन जिगर का खून देना था? मजनू बैठा था, बड़ा दुर्बल था। दासी ने कहा, सब चले गए, तुम क्यों नहीं गए? बोला, मैं मजनू हूं। अच्छा, मजनू लैला के कलेजे में सूल हो गया है, इसलिए वेद ने बताया तुम्हें मजनू के जिगर का खून चाहिए, तब ठीक हो जाएगी। उसने कमीज उतार कर कहा, ले लो। चली गई
दासी उसने कहा मैंने मजनू देख लिया आज वहीं हैं, बाकी सब भग गए थे। लैला बड़ी तेजी से मस्जिद में पहुंची। जब पहुंची तो मौलवी इबादत कर रहा था दरवाजे के पास बैठकर कुरान शरीफ पर। लैला धाय करके वहां जब पहुंची उसको डिस्टर्ब किया धर्म ग्रंथ को। मौलवी क्रोध हुआ, बोला बदतमीज लड़की, मैं खुदा की इबादत में था, तूने मेरा ध्यान हटा लिया। लैला मजनू तक पहुंचने वाली थी, मजनू से नहीं मिली, वापस आई। कहा मौलवी साहब क्या फरमाया आपने, दोबारा कहो। बोला बदतमीज लड़की में इबादत में मशगूल था और तुमने आकर के खंडित किया। बोला मौलवी साहब मैं एक इंसान के प्रेम में यही भूल गई थी कि कहां पर हूं, तुम्हें कैसे याद आया कि मैं यहां से गुजरी हूं। प्रेम प्याला जो पिए शीश रखना दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का दे। साहब ने प्रेम के अंग पर इतने बड़े साखियों के ग्रंथ लिखे हुए, क्या है इस प्रेम में, प्रेम में अपना वजूद नहीं रहता है। जिससे जिसकी प्रेम है वो वही रहेगा और वहीं पहुंचेगा। इसलिए प्रेम में आदमी सब चीजें भूल जाता है, बाकी एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाता है। यही बात साहब कह रहे हैं। कैसे भूल जाता है वो सुनिएगा, बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं साहब। कैसे अनुरागी लख पर रही, बिना राग जीव ना तरे। यहां मैं ब्रह्मानंद जी का शब्द दोबारा दोहरा रहा हूं, प्रसंग ऐसा है, प्रेम में स्वार्थ नहीं है, प्रेम में वासना नहीं है, प्रेम एक समर्पण है। प्रेम में अपने को मिटाना पड़ता है, जिससे प्रेम कर रहे हैं उसमें हो जाना पड़ता है, तो उसी का रूप हो जाता है। इसलिए साहब क्या कर रहे हैं, गुरु से प्रीत कठिन रे भाई, ब्राह्म प्रीत नाकाश से धाई। जो जिससे प्रेम करेगा उसी में रह जाएगा। फिर बड़ा सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं, अनुरागी कैसे लख पर रही। हे सदगुरु, अनुरागी को कैसे हम देखें, कैसे पहचाने। बिन अनुराग जीव ना तरही, आपके कहने के अनुसार अनुराग के बिना जीव संसार सागर से कभी पार नहीं हो सकता। हे कृपा निधान, कृपा करके मुझे बताओ अनुरागी की पहचान क्या है, कैसे पहचाने। सो अनुराग प्रभु देह बताई, देह दृष्टांत भले समझाए। मुझे दृष्टांत देकर अच्छी तरह से उस अनुराग का उदाहरण दो। धर्मदास पर खुचित लाई, अनुरागी लक्षण कहूं समझाई। परखना, बहुत सुंदर रूपक दे रहे हैं साहब, क्या बात है। आदमी को कैसे पहचानते हैं, बातचीत से, चाल ढाल से, खान पान से। जैसे मृगा नाद सुंधावे, मगन होए ब्याधा डिगावे। क्या क्या प्रेम करता है मृगा नाद से, बंसरी से, बंसरी से बेहद प्रेम करता है। मगन होए ब्याधा डिगावे, मगन होकर के ब्याधा यानी रुकावट के पास पहुंचता है। कैसे, मृगा को पकड़ने के लिए बधिक कसाई मधुर बंसरी बजाता है, वाह। और मृगा नाद का बड़ा शौकीन है,
ऐसी जगह बंसरी वो घात लगाता है जैसे अंबुश ऐसी जगह लगाते हैं कि आदमी निकल नहीं पाए वहां से। तो वो क्या करता है, दो वर्टिकल बांस गाड़ता है ऐसे। अब मृगा आता है, आप भी देखने कभी कभी आप जब गीत सुनते हैं तो मग्न हो जाते हैं, आंखें बंद कर देते हैं। वो फिर क्या करता है, रिमूव योर हैंड, इससे टिकता है मस्ती में नाद सुन सुनकर। हालांकि वो जानता है जो बधिक बांस बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, मेरा वध करेगा, ये कसाई है मुझे मारेगा। लेकिन उसके दिल में बांस के लिए, बंसरी के नाद के लिए इतना प्रेम है तो भी जाता है, वो सुन सुन कर मस्ती में जाता है। तब जब मस्ती में जाता है, जैसे हम सबको नींद आती है ना, तो हम फिर बिस्तर ढूंढते हैं, तो वो टिकने की जगह ढूंढता है। मृगा के घुटनों में फोल्ड नहीं है, वो मोड़ नहीं सकता घुटने, वो जैसे टिकता है जा करके और अपना पूरा वजन उस हॉरिजेंटल बांस पर छोड़ता है, बांस ही गिर जाता है और वो भी गिर जाता है। और बधिक क्या करता है, बंसरी बंद कर देता है, तलवार से उसकी गर्दन काटता है, मांस बेचता है और नाभि से कस्तूरी निकालता है। तो साहब क्या कह रहे, सुन सुन नाद शीश दिन जिंदीना, वाह क्या प्रेम है उसमें। ऐसे अनुरागी को चीना, आपके पास भरपूर प्रेम है, आत्मा है ही प्रेम में, बात यह है कि आप कहां लगा रहे हो, उस प्रेम को कहां लगा रहे हो। ध्यान रखना, दुनिया में जहां भी प्रेम लगाओगे वहीं धोखा है, वहीं छल है, वहां स्वार्थ है। ये जग की आहे रीति स्वार्थ लाए करे प्रतीति। तो साहब क्या उदाहरण देते हैं, वाह वो क्या करते हैं, सुन सुन नाद शीश तिंदीना, ऐसे अनुरागी को चीना। दूसरा साहब कह रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं प्रेम का, पतंगा दीपक से बहुत प्यार करता है। क्या बात है, प्रेम में तो समर्पण है और समर्पण तो बहुत बड़ा गुण है। तो मैं बीच में एक बात करता हूं, माफी चाहूंगा। प्राचीन समय में पति पत्नी कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ते थे, स्वाभाविक के अमर होने के बाद शरीर ढल जाता है। आज के युग में विडंबना है, इंसान चरित्र से बोर्ड डाउन चला गया है, विषय विकार करके उपता है, दूसरी स्त्री को ढूंढता है, अपनी पत्नी को छोड़ देता है। पहले ऐसे नहीं था, वो आत्मसात हो जाते थे। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, शादी होती है पक्की 80 साल के बाद। जब ये मैं बात कहूंगा, कहेंगे ये सरफरा आदमी क्या क्या बक रहा है। जब आपका एंगेजमेंट हो या शादी हो जाए, समझना अभी बातचीत चल रही है, शायद शादी नहीं हुई है, शादी हो जाए, जब आपको बाल बच्चे हो जाए, समझना अभी एंगेजमेंट हुई है, ठीक ना, अब हुई है एंगेजमेंट, वो एंगेज करते हैं बच्चे ना, और खटपट चलती रहती है, चुम्मा चाटी चलती रहती है, विषय विकार चलते रहते हैं, झगड़े लड़ाई चलते रहते हैं। जब आदमी वासना रहित हो जाता है, शरीर की इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, उसके बाद वो ऐसे मित्र बन जाते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, प्रेम बढ़ता है। अगर बूढ़ा मर जाए तो बूढ़िया का रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा,
जवान की बीवी मर जाए तो इतना परेशान नहीं होगा, वो कहेगा दूसरी ले आएंगे। और लड़की भी सोचती है दूसरा पति मिल जाएगा, लेकिन बुढ़िया सोचती है अभी कोई नहीं मिलने वाला है, वो उसमें आत्मसात हो जाती है। इस तरह बुढ़िया मर जाए, बूढ़ा इतना रोएगा कि आप पूछो मत। मैं आपके सामने जो भी बातें बोलता हूं प्रैक्टिकल अनुभव है। एक आदमी आया, कहीं माता शरीर छोड़ गई थी, काफी एज था उसकी माँ, बोला पापा अब थोड़ा सा अवसाद में आ गया है, डिस्टर्ब हो गया है जब से माँ मर गई। देखा, प्रेम तो आत्मीय सामंजस्य है, शारीरिक मिलन नहीं है, वो तो वासना है। इसलिए उस अवस्था में पहुंचकर इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, तब वो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत कम लड़ेंगे और ऐसे मित्र बन जाते हैं कि क्या बताऊं मैं। तो पतंगा जानता है, एक कहावत है, बचपन मरे न मैया, बचपन में मां नहीं मरना चाहिए, और वृद्धा मरे न त्रिया, बुढ़ापे में औरत नहीं मरना चाहिए जल्दी। तो इस तरह पतंगा बहुत जबरदस्त प्रेम करता है दीपक से। प्रेम कैसा है, जब पास जाता है आंच लगती है, उसके कोमल पंख भी डिस्टर्ब होते हैं, गिर जाता है, अपने शरीर को सहलाना शुरू करता है, सहलाने के बाद उड़ान फिर वो इसी दीपक के पास भरता है। क्या बात है यार, यहां मैंने बहुत लोग देखे जो मजनू टाइम कहते हैं इस लड़की से बड़ा प्रेम करता हूं, वो एक गजल है, अपना कव्वाली है, जोश इस दरिया में था इस कदर अल्लामा कि साहिल से पूछा मौजों का धारण है, न जाने कहां वो कमबख्त खो गया, गली गली ढूंढा पता न मिला, दोस्तों से जो पूछा तो कहने लगे वो हसीनों की गलियों में मारा गया। खैर मैं फिल्म देखता नहीं, कभी कभी सुन लेता था फौज में, जैसे आदमी अपनी बीबी को साथ रखता है ना, फौजी एक रेडियो रखता था उस समय, छोटा ट्रांजिस्टर, गाने सुनता रहता था समय काटने के लिए। कभी कभी मैं कहता भैया यार बंद कर इसको, से डिस्टर्ब है, बोलते थे महाराज आपको तो न बीवी न बच्चे, हमें उनकी याद आती रहती है तो हम अपना टाइम इसी तरह गुजारते हैं। तो इस तरह से वो एक निष्काम भाव का प्रेम उत्पन्न हो जाता है, परमात्मा से कुछ मांगना नहीं, कुछ चाहना नहीं, बस उसे ही चाहना। अष्ट सिद्धिनाव नित्य वैकुंठ के वासा, सो मह कछु न चाहिए मेरे अविनाशी, अधिक स्नेही माछली दूजा अल्प स्नेह, प्राण तजे पल बिछड़े तजत न लागे बेर। साहब कह रहे हैं इन सबका तो प्रेम बोला, कहीं फितंगे का कहीं चकोर का बोला, कहीं प्रेम किसी का बोला, लेकिन आखिर में क्या कह रहे हैं, अधिक स्नेही माछली दूजा अल्प स्नेह, प्राण तजे पल बिछड़े तजत न लागे बेर। जिससे आपका अटूट प्रेम हो जाएगा, आपकी आत्मा उसी के पास रहेगी। इसलिए साहब कह रहे हैं ये गुरु से प्रीत कठिन रे भाई, बिना प्रीत नहीं काज सिधाई। तो ये प्रेम ब्रह्मानंद जी के शब्द में बहुत बड़ी बात है। कोई पूछे कि जमाने में बड़ी चीज है क्या, हम बता देंगे प्रेम से बढ़ के जमाने में कोई चीज नहीं। प्रेम मिटा देता है सदियों की दुश्मनी को, प्रेम पत्थर की दीवार हटा देता है। ब्रह्मानंद जी का शब्द अलग है, वो क्या कह रहे हैं, कोई हमसे पूछे यूं आकर, दुनिया में तुमने क्या देखा, कोई हमसे पूछे यूं आकर, दुनिया में तुमने क्या देखा, हम बतला देंगे यूं उसको सब मतलब का मेला देखा, हम मतलब के तुम मतलब के, ये मतलब के वो मतलब के, गुलस्तान में फूल खिला हमने देखा मतलब का।
योगी देखे, जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा हमने देखा मतलब का। योगी देखे, जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा हमने देखा मतलब का। वह दीद दिखा दे तुक अपना, यानी झलक, जो खाली होए मतलब से तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं, आज मैंने खुदा देखा। आप परमात्मा से कुछ चाहना मत, आप उससे कुछ चाहना मत, वो तो अपने आप को ही आपको दे देगा। कुछ नहीं मांगना। मैं एक उदाहरण देता हूं, उससे कृपा मांगना, अपने चरणों में रखना। दो बड़े योद्धा थे, किसी युद्ध में पराक्रम दिखाया, शत्रुओं का विनाश करके भगा दिया। राजा को पता चला, राजा ने दोनों योद्धाओं को बुलाया। पहले योद्धा से कहा, शाबाश, तुम्हारी वीरता से मैं प्रभावित हूं, मांगो। उसने कहा, 10,000 सेना, एक परगना, एक जिले का राज्य, और इतनी इतनी मोहरें दो। राजा ने दे दिया, बोला ले जाओ, सम्राट था। दूसरे से कहा, हे वीर, तुम भी मांगो, क्या चाहते हो? उसने कहा, बस अपनी कृपा रखना मुझ पर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा, हे बहादुर, तूने तो मुझे ही ले लिया। यही प्रार्थना धर्मदास जी कह रहे हैं, बड़ी अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं। भक्ति दान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव, जन्म पाए नहीं बिसरूं, करूं पद सेवा, तीरथ व्रत मैं ना करूं, नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा कर्मना, मोरे और न दूजा, सुख संपत्ति परिवार धन, सुंदर वर नारी, सपने इच्छा ना उठे प्रभु आस्तमा, न मुझे पुत्र चाहिए, न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए। यहाँ लोग अगर प्रार्थना करते हैं, को गरीब हूँ, धन दे दो, बेटा नहीं है, दो बेटियाँ दे दो, फलाना करो, दिखाना करो, समझ में आता है। यही जग की आए रीति, स्वार्थ लाए करे प्रतीति। आगे क्या कह रहे हैं धर्मदास जी, सुख संपत्ति परिवार धन, सुंदर वर नारी, सपने इच्छा ना उठे गुरु हस्त तुम्हारी, अष्ट सिद्ध नौ निध है वैकुंठ के वासा, सो मह कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। धर्मदास की विनती समृत सुन लीजिए, आवागमन निवार कर बस आपन कर लीजिए, अपना बना लेना। न मांगू जगत की सुख संपदा, दास की है बस इतनी इल्तिजा, मैं पुकारूं तुम्हें तुम आवाज दो, भाई हर पल ये आंसू तुम्हारे लिए। इसलिए बिन रोए नहीं पाइए साहब का दीदार, जब आप उसमें लग्न रखते हैं एक ही जगह। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुर की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। तो साहब भी यही कह रहे हैं, अनुरागी के लिए परमात्म पथ, ये अनुराग एक वो रास्ता है जो ईश्वर तक पहुँचाता है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, ध्यान दें। मैंने कई बार बोला, धीरे धीरे हम काम बहुत तेजी से निपटाते जा रहे हैं। यहाँ साल में 4 बार 1 लाख से ऊपर लोग आते हैं, और 1 लाख से ऊपर आने वाले लोगों की व्यवस्था करने का मेरा संकल्प है। मैं इसमें लगा रहता हूँ, क्योंकि साहब ने कहा एक शब्द बड़ा सकारात्मक, हर तो मिश्री कहीं से भी खाओ मीठी है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साध सेवा तर जाएगा, साध संगत तर जाएगा। मैं आप सबको साधु मानता हूँ, लगा रहता हूँ उसी कार्य में, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। धन्यवाद साहेब जी।